मेरा कुछ लिखूंगा तो लिखिएगा बेटा। टॉपिक क्या बेटा आज का? बोल दिया मार दिया बेटा, साइकिल की डाउट है आज? तो सभी लोग बैठ गए आराम से और अपने जो बुक्स कॉपीज वगैरह सब। तो मार्केट की जो फर्स्ट वाली यूनिट है बेटा पूरी हो गई थी डाउट में, और सेकंड वाली सेकंड पार्ट के डाउट हो गए थे क्या? फिफ्टी वन टू सिक्सटी मार्केट में, फिफ्टी वन टू सिक्सटी डाउट। और जो पीछे बैठे बैठे गेट बंद कर दो, 52 और बने बेटा। इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कराया जा चुका है, और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइट बंद कर दो बेटा, फिफ्टी टू का राइट आंसर रीजन। मैं तो बेटा बहुत कुछ बताता हूं, लेकिन हाँ बिल्कुल कल ही बताया था बेटा। बताइए, इसी तो मुझे बताया पर क्यों मैं पूछना चाहता हूं। और ऑप्शन ए कैसे सही है? ऑप्शन ए के सही होने का रीजन, यहां पर एम आर एम सी इक्वल है यहां पर, और प्राइस डिसाइड हो रही है उससे ज्यादा, यानी कि वो बाजल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है।
उसके बाद कह रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को कम रख के यहां पर एसी मिनिमम है यहां पर, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट Q1 भी जा सकता था, लेकिन प्रोडक्शन किया गया OQ, तो वो अपने आउटपुट को कम रख के प्राइस को ज्यादा रख सकते हैं। राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और डायग्राम कह रहा हूं बेटा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और डायग्राम दोनों के लिए होने चाहिए बेटा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बड़ा बड़ा। ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होंगे बेटा, पॉसिबल नहीं है। चलिए 60 तक और कोई डाउट, ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, P=MR=AR, और ये है MR=MC। एमसी किसके इक्वल है बेटा, और MR किसके इक्वल है, और AR किसके इक्वल है, तो यहां पर है P=MC, होता है। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, यहां पर एमसी है, यहां पे है प्राइस क्या है इससे ज्यादा, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस एमसी से कम होती है कि ज्यादा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस एमसी से कम की ज्यादा इक्वल होती है बेटा, और मोनोपोली में कम या ज्यादा, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इक्वल होती है एमसी के, और मोनोपोलाइज मार्केट में प्राइस एक्सीड होती है मार्जिनल कॉस्ट से। इसने डायग्राम बनाया ना बेटा, और ध्यान से देख कर समझ के बनाया, कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा बेटा, बाकी तो कम हो है। चलिए 60 तक और कोई डाउट, 70, 60-70, नहीं कोई डाउट, गुड। बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम्पल पूछे जाए तो दो ही टिक करने बेटा आपका, एग्रीकल्चर है फिर मिल्क, मिल्क मिल्क दूध। चलिए 70-80, 80-90, 90 मार्केट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये मार्केट रियल में नहीं हो सकता बेटा, इमेजिनरी है बेटा। आदर्श गांधी जी ने कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे ना दूसरा गाल आगे कर दो, ये आदर्श है बेटा। कितने लोग इसको मानते हैं बेटा, आप में से कितने लोग ऐसे जो एक थप्पड़ खाने में दूसरा गाल आगे करते हैं, प्लीज वंस मोर। हाँ क्या करते हो बेटा आप बताओ, बताओ अपने दोस्त को बता दो, हमें बता दो बेटा। तो बेटा जो आदर्श होते हैं ना वो रियल में नहीं होते बेटा कभी, तो ये एक आदर्श बाजार है, आइडियल मार्केट है, जो रियल में नहीं होता बेटा, वो ही नहीं सकता। चलिए 90 तक बोलिए बेटा, 91, 78, 78 बेटा जिस मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक होगी ना वहां प्राइस रखेंगे ज्यादा, या इलास्टिक होगी वहां प्राइस रखेंगे कम, तो किस पे डिपेंड करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
elasticity of demand curve. Right answer is elasticity of demand. चलिए बेटा 90 तक 79 आइदर प्राइस और आउटपुट, या तो प्राइस दोनों में से एक एक टाइम पर एक ही चीज डिसाइड कर सकता है बेटा. अगर प्रोडक्शन मेरी मर्जी का करूंगा तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी बेटा, और प्राइस अपनी मर्जी का रहना चाहता हूं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना पड़ेगा बेटा. तो एक वैसे दोनों डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन एक टाइम पर एक, या तो प्रोडक्शन और या फिर प्राइस, दोनों डिसाइड नहीं कर सकता बेटा मैं. चलिए 80 to 90, 90 to 100, 94, 91. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते बेटा, होमोजीनियस सिर्फ परफेक्ट में हो सकते हैं बेटा, और इसके अलावा किसी मार्केट में नहीं हो सकते बेटा. तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते बेटा. बेटा आप उसी प्रोडक्ट की प्राइस अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो जिसकी डिमांड इन इलास्टिक हो, जिसमें प्राइस चेंज करने का डिमांड पे इफेक्ट ना पड़े, खाली उसी प्रोडक्ट की प्राइस हम अपनी मर्जी की रख सकते हैं बेटा. और बोलिए बेटा 100 तक और कोई डाउट? 101. सो अगेन 1 to 10. सेलिंग कॉस्ट बेटा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किसमें होती है बेटा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती नहीं है, यहां पे ऑप्शनल होती है बेटा. तो फिर क्या बचा बेटा? यहां पे ऐड होता है बेटा. और बोलिए बेटा अगेन 1 to 10. बेटा एक मोनोपोलिस्ट है, दो मार्केट बेच रहा है, और दोनों मार्केट में डिमांड सेम नहीं है, एक में इलास्टिक है एक में इलास्टिक है, क्या करना चाहिए उसको? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए उसको. जहां पे इलास्टिक है प्राइस कम रख ले, जहां पे इलास्टिक है वहां पे ज्यादा. और बोलिए बेटा सिकवन, बेटा दो मार्केट में डिमांड अलग अलग है, एक में इलास्टिक और एक में इलास्टिक है, तभी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करोगे बेटा. अगर दोनों में इन इलास्टिक है तो दोनों में ज्यादा रख लो, और दोनों में इलास्टिक है दोनों में कम रखनी पड़ेगी, तो एक में कम और एक में ज्यादा कब रख सकते हो जब डिमांड अलग अलग हो बेटा, एक में इलास्टिक और एक में. चलिए 1 to 10 बोलिए बेटा, 1 to 12, अगेन 1 to 10. आप लोगों को टेस्ट हुआ क्या इको अभी तक? इको का टेस्ट हो गया आप लोगों का? अगला टेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट का होगा बेटा, कर दी लेंगे बेटा. 7th क्वेश्चन, ये मार्केट का टेस्ट मैं लेना चाहता हूं बेटा मैं. बेटा किंग डिमांड कर्व का एक ही मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, और वो ये है कि रेस्पॉन्स टू ए प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रेस्पॉन्स टू ए प्राइस डिक्रीज, यानी प्राइस डिक्रीज करोगे तो रेस्पॉन्स ज्यादा होगा, इंक्रीज करोगे तो कम. इसका जो रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज करने पर ज्यादा होगा, इंक्रीज करने पर कम, दैट इज किंग डिमांड कर्व. और कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 7th, डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली वहां पे होगी जहां पे प्रोडक्ट अलग अलग होंगे बेटा. फ्यू सेलर्स डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, बेचने वाले कम है लेकिन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है बेटा. अब बेटा 6, ओलिगोपोली में क्या नहीं होता? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व नहीं होता बेटा, क्योंकि इसका डिमांड कर्व
सेकंड होता है बेटा, और बोलिए बेटा टेंथ किंग डिमांड कर्व में ये माना गया कि अगर एक डिक्रीज करेगा प्राइस तो सब भी डिक्रीज करेंगे, लेकिन हमने ये भी माना है कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो कोई और इंक्रीज नहीं करेगा, तो वन और फोर दोनों सही है बेटा। एक कम करेगा सब कम करेंगे, एक बढ़ाएगा कोई नहीं बढ़ाएगा, दैट इज प्राइस रेजिलिटी। और बोलिए बेटा 16 तक कदम, चैप्टर 5 के क्वेश्चन कर लिए क्या? वही क्वेश्चन है बेटा, प्राइस रेजिलिटी। एक ही अजम्पशन है कि एक प्राइस कम करेगा सब फॉलो करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे तो कोई फॉलो नहीं करेगा। हाँ बोलिए बेटा, ज्यादा नहीं किए, कब तक हो जाएंगे? कल तक पूरे हो जाएंगे, सारे बता देंगे बेटा एक साथ। कुछ लोगों ने तो किए नहीं अभी तक, कुछ लोगों ने कहा पहले, कुछ सब नहीं कहा बेटा, आप उन सब में नहीं हो बेटा, आप उन कुछ में से हो जिन्होंने कुछ कर लिए बेटा। एक्सेसिव बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा सेकंड का ऑप्शन करते बेटा, इसका आंसर एक्सपेंशन होगा बेटा, नहीं नहीं कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन सर, इसमें शायद वो रिसेशन दिया हुआ है ना, कॉन्ट्रेक्शन होगा बेटा। रिसेशन नॉर्मली ट्रॉफ के लिए भी यूज करते हैं बेटा अपन, अपना क्या बचा बीको में? तो बेटा एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बिना मेहनत के नंबर मिलेंगे बेटा, फ्री के नंबर समझते हो, फ्री के नंबर। तो जिन लोगों को बिना पढ़े बिना मेहनत किए अगर फ्री के नंबर चाहिए ना, तो आज पढ़ लेना बेटा 10 नंबर, कितने नंबर, और वो भी बिना ज्यादा एफर्ट लगाए बिना। तो निकालिए कॉपीज फटाफट, सॉरी बुक्स, कॉपीज नहीं बेटा बुक्स, ये आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, कितनी लाइन है बेटा ये, 7 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है बेटा ये, सातों के साथ आएंगे नहीं, लेकिन 7 क्वेश्चन मत, दो तीन तो आ ही जाएंगे बेटा, दो तीन तो आ ही जाएंगे। तो ये सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से डिराइव्ड है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया बेटा आपका, इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया, ये ओइकोनोमिया नहीं इकोनोमिया, इकोनोमिया। दूसरा क्वेश्चन इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, वैसे सिर्फ हाउस होल्ड भी चलेगा क्योंकि 12th में जो था वो शायद यही था मैनेजमेंट, और 11th में मे बी, लेकिन यहां पर बेसिकली हाउस होल्ड चलेगा बेटा। तो कितने क्वेश्चन बन गए बेटा, तो इकोनॉमिक्स कहां से आया, उसका मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 19th सेंचुरी तक हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे बेटा, 19th सेंचुरी तक क्या कहते थे आप इकोनॉमिक्स को, उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, उसने कौन सी बुक लिखी थी बेटा उन्होंने, एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, और कब पब्लिश हुई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा, क्वेश्चन से क्वेश्चन से बेटा,
तो बेटा याद हो जाएंगे कि इतने मुश्किल क्वेश्चन आपसे। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन तो कर ही लोगे क्या, ये भी नहीं होंगे, हो जाएंगे क्या? चलो, तो इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। आज आपका क्या है बेटा? नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे क्या बेटा? और आपकी मम्मी ने दिया आपको 1000 रुपए। कितने रुपए? 10 दिन मिलता हूँ, मेरे का जा रहा है बेटा, ये पढ़ा के जा रहा है बेटा। अब आपको 1000 रुपए मिले और आपके पास 4 ऑप्शन, कितने ऑप्शन है बेटा? सबसे पहले आप किसको पार्टी दे सकते हैं और सारे पैसे उनके ऊपर खर्च, या फिर आप, मुझे पता है आई नो, या फिर आप अपने लिए एक ड्रेस खरीद सकते हैं, या फिर आप एक उसके बाद रेस्टोरेंट में अपने पसंद का कुछ खा सकते हैं, इसके बाद आप अपने लिए एक बुक खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हो, और कुछ पैसे बचा सकते हो। ऐसे कौन करता है भाई, पर डे के पैसे से बुक खरीदेगा? हमारे आदर्शवादी राष्ट्रपिता, और बाकी पैसे बचा लेगा कौन है भाई? है क्या अपनी क्लास में ऐसा? पूरे बचा लेंगे वो तो समझ में आता है, कई लोग होते हैं उनको सेविंग्स अच्छी लगती है, बुरी बात नहीं है, तो पूरे बचा लेंगे समझ में आएगा, लेकिन बुक खरीदोगे क्या? आपके पास ऑप्शन कितने हैं और पैसे कितने हैं? तो बड़ा अब इस 1000 से आप 1 या 2 ऑप्शन पूरे कर सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन, इससे सीख मिलती है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर एंड रिसोर्सेज आर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में 20 बार आ चुका है, क्वेश्चन पूछता है वॉन्ट्स आर और 4 ऑप्शन भी देता है, अरे इसमें भी ऑप्शन चाहिए क्या? 4 ऑप्शन देगा, वॉन्ट्स आर लिमिटेड, अनलिमिटेड और पता नहीं क्या क्या। तो वॉन्ट्स आर, और एक क्वेश्चन और जो लाखों बार पूछा चुका है, पूछा जा चुका है, रिसोर्सेज आर। अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते रहे तो बेटा ये फ्री के नंबर बैठ रहे बेटा, तो याद रखना कि वॉन्ट्स क्या होती है बेटा और रिसोर्सेज क्या है। अगर दोनों में से एक भी चीज खत्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वॉन्ट्स लिमिटेड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, हमारे पास भी अलादीन का चिराग है। हाँ बेटा, 3 बेटा एक बार मिलने दो बेटा, वो एक ही पूरी नहीं कर पाएगा बेटा, 3 तो बहुत दूर की बात है बेटा, वो 3 विश करेगी, मैं आपकी 3 विश पूरी करूंगा, ठीक है? मेरी पहली विश ये है कि तुम मेरी 10000 विश पूरी करोगे, और जैसे 10000 के पास पहुंचने वाला हूँ, अगली विश ये है कि तुम मेरी 50000 विश पूरी करोगे। यहां तक पहुंचते पहुंचते तो पूरी जिंदगी में गुलामी करेगा बेटा, वो क्या बेटा कि वहां पे कोई मतलब काबुल के आसपास वहीं पे कोई वहां मिला था बेटा, वो इंडिया में मिला होता ना, अभी पोछे लगा रहा होता घर में, तो वहां के लोग सीधे साधे लोग हैं कि 3 विश मांग के छोड़ दिया, अरे इंडिया तो आ एक बार, क्या पंखे साफ करके आ जा, पंखे साफ कर रहा है बैठ गए इंडिया वी आर। तो बेटा या तो वॉन्ट्स लिमिटेड हो या फिर रिसोर्सेज, तो फिर कोई प्रॉब्लम, लेकिन दोनों ही है बेटा, अंडर इंक्लूड फटाफट से। इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, वॉन्ट्स आर एंड रिसोर्सेज आर। एक क्वेश्चन और बनेगा बेटा यहां से, और वो बनेगा कि स्कैसिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट। आंसर है कि स्कैसिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट?
बेटा एक बात अच्छी तरह से सुन लेना और समझ लेना, कोई भी चीज कम होना स्कैसिटी नहीं है बेटा। लोग सोचते कि चीजों का कम होना स्कैसिटी, नहीं बेटा, वॉन्ट्स के कंपैरिजन में कम है इसलिए स्केयर है बेटा। जैसे कि जहर, पॉइजन तो पॉइजन, वो हमारे घर में पड़ा हुआ बेटा, 5 ग्राम, कितने ग्राम लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है बेटा, पूरे परिवार की इच्छा पूरी कर देगा बेटा वो। जिस दिन इच्छा हो खीर बनाना बस बस, और 5 ग्राम डाल देना बेटा, पूरे तेल खत्म और पैसा। और मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया में सबसे बढ़िया जहर एक ही आता है बेटा, साइनाइड। जिसका टेस्ट आज तक कोई बता नहीं पाया, काफी लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया हमने, ऐसे खिलाया इसको, टेस्ट बता पहले मर गया। जीप पे रखते आदमी, किंग कोबरा सुना है आपने कभी? उसके जहर से बनता है साइनाइड। अब किंग कोबरा काटता नहीं है, सिर्फ जहर फेंकता है और उससे आदमी मर जाता है, मतलब बॉडी को टच करके मर जाता है वो। अगर उस जहर ने आपकी बॉडी को टच कर लिया ना तो आप खत्म हो, तो वो जहर है साइनाइड। 5 ग्राम आप सबके लिए भी सफिशियंट है, जिस दिन बर्फी मंगा लेंगे, चाहते हैं अभी बर्फी का टेस्ट ले जाए कम से कम, और पूरी क्लास से खिलाएंगे हम बर्फी, एक ही पीस बहुत है 5 ग्राम, बहुत ज्यादा है बेटा, इससे बेटा वो अनलिमिटेड है। लेकिन पैसा, पैसा चाहिए 50,000 करोड़, कितना चाहिए? 48,000 करोड़ पड़ा है, कितना पड़ा है? कम है, क्योंकि वॉन्ट कितनी की है? 50,000 करोड़। तो स्कैसिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो वॉन्ट्स के कंपैरिजन में चीजों का कम होना क्या होता है बेटा? स्केयर। बता पाओगे क्या? तो फिर 2-4 क्वेश्चन हो जाए बेटा और देखते हैं कि हमारे कितने प्रिय विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। आसान से शुरू करूंगा, वैसे आसान ही है, मुश्किल है क्या यहां तो? चलो क्वेश्चन नंबर 14, पक्का 15, 16, 17, 17, साइंस ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ की बात तो कर रहे हैं, मैंने बताया था ना बेटा, सच बोलते हैं बुरी अपने आप लग जाती है बेटा। जब एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दी थी ना, तो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि ये पिग साइंस है, पुअर घटिया साइंस, पैसे की बात करते हैं नालायक बेवकूफ। फ्रूट क्या है? इस दुनिया में हर एक्टिविटी के पीछे मोटिव क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पैसा मिल रहा है, आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको पैसा मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप सीए करो समाज सेवा के लिए, सीए करके आपको क्या मिलेगा? बोले समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, कोई सैलरी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सेवा। तो आप में से कितने लोग बैठे होते हैं यहां पे? या तो पैसा कमाने का मौका मिल रहा तो ही नहीं मिलते क्लास में बच्चे, कभी कभी होता ही क्लास में इतने बच्चे दिखाई देते हैं, मैं तो 6-6 बच्चे को ही पढ़ाया मैंने, तो वो भी क्या दिन था, मजा आया था लेकिन, है ना? ओनली 6। तो ये तो तब नहीं आते जब उनको पता है कि पैसा कमाएंगे हम लोग। सोचो अगर ये मोटिव पैसा कमाने का नहीं होता तो फिर तो ये 6 भी नहीं होते। गलत क्या बोला? सही तो बोला,
लेकिन लोगों ने क्या कहा, पिक साइंस। इस दुनिया में आज तक जो कुछ भी हुआ है ना बेटा, उसके पीछे एक ही मोटिव था और वो था पैसा। ब्रिटिश इंडिया में आए थे क्योंकि उनको चाहिए था पैसा। बाबर इंडिया आया था, क्या चाहिए? पैसा। महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, पैसा पैसा, तेल तो पैसा ही था। रामायण की लड़ाई लड़ी गई, पैसा। फिर आप लोगों ने रामायण देखी नहीं आज तक, रामायण सिर्फ एक ही पर्सन की वजह से हुई थी, उसका नाम था केकई। अगर केकई ने अपने बेटे के लिए राज्य मांगा ही नहीं होता तो राम वनवास जाते ही क्यों? जाते ही नहीं तो वहां पे सीता का रण होता ही क्यों? वो रावण को मारते ही क्यों? रामायण होती का क्यों होती? ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव इज, अगर केकई माता को राज्य नहीं चाहिए होता तो भगवान राम राजा बन जाते, वो अपने राज्य में रहते, वो कभी जाते ही नहीं वहां पे। जाते नहीं तो लड़ाई ना, बाली मरता बेचारा। हाँ सब टेंशन फ्री लाइफ, नो टेंशन। लेकिन वो सब एक चीज की वजह से हुआ। वो कहता बेटा, तो इन्होंने सही बोला था बेटा, लोगों ने इसको बुरा माना क्योंकि तो लोगों को सच बर्दाश्त होता है बेटा। तो समझ के आंसर दे रहा, कितने लोग ए के साथ, कितने बी के साथ, कितने सी के साथ और कितने डी के साथ? आप अकेले हो डी के साथ? पक्का दो जने? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो ऑप्शन पढ़े बिना डी ऑप्शन टिक कर देना बेटा, ऑप्शन पढ़ने में। अब जिन लोगों ने बी ऑप्शन टिक किया उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे हर आदमी बिलियनियर है, तो सऊदी अरब में हर आदमी बिलियनियर है लेकिन वहां पे पीने के लिए पानी नहीं है बेटा। पैसे थे वो, पैसा पानी की तरह भा सकता है लेकिन पानी पानी की तरह नहीं भा सकते बेटा वो लोग। कैसे थे? उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास पानी नहीं है। अमेरिका के पास पानी है, उनके पास पेट्रोल नहीं है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था बेटा। इंडिया एक अमीर देश है, रिच कंट्री है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। सब गरीब बेटा, मैं भी तो इंडियन ही हूं। मैं कौन सा श्रीलंका से आया हूं? पाकिस्तान से तो मरी ना हूं मैं, श्रीलंका से भी सोच सकता हूं एक बार। वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज है, एक इकोनॉमी ऐसी बताओ जहां पे स्कैसिटी नहीं है। तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे स्कैसिटी नहीं है बेटा। जब अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था जापान पे, उसके बाद से उन्होंने टेक्नोलॉजी को तो बहुत आगे बढ़ाया लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर खत्म हो गया क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो गई। इंडिया के पास एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्कुल है, इसलिए हम अमीर क्यों कहा जाता है हमारे को? क्यों कहा जाता है कि इंडिया एक रिच कंट्री है? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है भाई। इतना ज्यादा हमारे पास लैंड है, फर्टाइल पानी है, हमारे पास नदियां बहती है हमारे देश में,
ना पानी की कमी है, ना मिनरल्स की कमी है, ना पॉपुलेशन की कमी है, हो सकती है बेटा। देखो जो लोग ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कम नहीं हो सकती, वो शायद उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट कितना हो सकता था बेटा ये सोचकर भी डर लगता है बेटा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। गवर्नमेंट का पहला सपोर्ट ये था कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, लोगों ने सरकार को भला बुरा कहा, ये कहा कि आपने लोगों को भूखा मार दिया, एग्री। लेकिन अगर स्टार्टिंग में लॉकडाउन नहीं लगा होता तब तक लॉकडाउन कब तक लगाया गया, तब तक पूरे पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर जब तक प्रॉपर क्वांटिटी में इकोनॉमी में नहीं आ गए ना, तब तक रोक के रखा। और जब लगा कि अब संभाल लेंगे तो लॉकडाउन ओपन कर दिया, ठीक है खोल दो, क्योंकि तब हम उस कंडीशन में आ गए थे कि अगर हालात बिगड़ेंगे तो हम संभाल लेंगे। और संभाले गवर्नमेंट बहुत बेटर तरीके से। इंडिया में जितने लोग मर सकते थे उतने लोग नहीं मरे बेटा। अब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज है, हमारी समझ से परे, हम सिर्फ उसके अपने फायदे देखते हैं, जैसे कि बच्चे खुश हो गए, एग्जाम नहीं होंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, और एग्जाम होंगे तो ऑनलाइन होंगे, अरे घर बैठ के ओपन बुक एग्जाम, ये ना आप लोगों ने ओपन बुक एग्जाम, साहब ऐसे किताब खोल लिया, इसका आंसर लिख रहा हूं अभी, ये लो टीपू बन गए आप लोग, क्या बन गए, वेरी गुड बेटा, तो काफी टीप टीप के आपने काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बचाया गया बेटा। तो आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी स्कैसिटीज है, एक वजह पॉपुलेशन भी है। अमीर होने से क्या होगा बेटा, इराक का हर आदमी अमीर आदमी है, करोड़पति है, फिर पानी तो नहीं है बेटा पीने के लिए उनके पास, एग्रीकल्चर नहीं है, पानी नहीं है, वहां का आदमी आराम से पैसे खर्च कर सकता है बेटा, लेकिन वो पानी नहीं है उसके पास, जैसे पानी हम लोग यूज करते हैं वो नहीं कर सकते बेटा। हमारे यहां तो पानी की वैसे कोई कमी नहीं है, और राजस्थान में चलो फिर भी है, लेकिन पंजाब हरियाणा तो आप जाके देखो, आप यूपी जाओ आप, क्योंकि तो परेशानी पानी से, हर साल बाढ़ आती है वहां पे, हर साल क्या आती है बेटा, वेरी गुड, वो कहता है पानी कमी, बोले आ जा बिहार में, आ जा हमारे पास। आपकी बात सही है बेटा, लेकिन हम स्कैसिटी की बात कर रहे हैं बेटा। अगर पैसा होगा तो हम सारी चीजें ठीक है मंगा लेंगे, वो कर लेंगे। वो लोग पानी इंपोर्ट करते हैं, तो पानी क्या होता है, इंपोर्ट होता है बेटा, तो वो पानी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज कमी तो है उनके पास, तो स्कैसिटी है बेटा। पानी कम है इस वजह से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं है, सेकेंड ड्रॉबैक हो गया। तो कुल मिलाकर यह है कि सऊदी अरब जो है ना बेटा, वो सबसे बेटर तरीके पर चल पड़ा है बेटा, वो अदर रिसोर्सेज डेवलप करने में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में वो ऑप्शंस ढूंढ रही है। अब भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पे आएगी नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आएगी नहीं है, और एथेनॉल, एथेनॉल एक और फ्यूल है जो शायद गन्ने से बनता है, गन्ना समझते हो, गन्ना उससे बनता है एथेनॉल, और एथेनॉल से, एथेनॉल लाइक डीजल, डीजल की तरह वर्क कर सकता है एथेनॉल, तो हो सकता है कि फ्यूचर में पेट्रोल डीजल की डिमांड ही ना हो, क्योंकि तो हमारे इंडिया में नितिन गडकरी नाम सुना आपने कभी, एग्जैक्ट नितिन गडकरी का कहना है कि मैंने अपने घर पे जनरेटर लगवाया और वो जनरेटर एथेनॉल से चलता है, यानी कि फ्यूचर का जो फ्यूल है वो एथेनॉल है, एथेनॉल से गाड़ी चलेगी, पॉल्यूशन भी कम होगा और किसी पर डिपेंडेंसी खत्म, कोई गन्ना तो हम भी खूब उगा लेते हैं बेटा, विदेश में चाहे चीनी कम मिलेगी लेकिन पेट्रोल पूरा मिलेगा, वो भी 20 रुपए लीटर, जैसे गन्ने का रस होता है ना 10 रुपए का गिलास, नहीं बेटा एथेनॉल पी नहीं सकते बेटा, क्योंकि इसमें केमिकल भी लाए जाएंगे बेटा, बड़ा फिर ऐसे था गन्ने का रस पी लिया, अरे यार थोड़ा सा गाड़ी में डाल ले यार, बच गया थोड़ा सा बच गया डाले डाले, नहीं नहीं वैसे नहीं बेटा।
क्वेश्चन नंबर टू, कितने लोग एक के साथ और कितने बी के साथ? टी टी बेटा सारी बॉन्ड्स कभी पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज बॉन्ड्स आर एंड रिसोर्सेज आर, ऐसा क्या होता है बेटा? ए तो कितने लोग ए के साथ, कितने लोग बी के साथ, कितने लोग सी के साथ और कितने डी के साथ? बेटा स्केर्सिटी तब होती है जब हमारी वांट के कंपैरिजन में कोई चीज कम हो। अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है इसलिए वो स्केयर है बेटा। पढ़ाया नहीं जा सकता, बड़ा जरूरत ही क्या है? अगर उसकी वॉन्ट ही नहीं है तो 5 ग्राम बहुत है बेटा, बढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा इसको। बोले बढ़ाया नहीं जा सकता, बोले बहुत है इतना ही। बोले कितने लोगों का काम करना है, कितने लोगों से टेस्ट पता करवाना है? तो अगर आपको कोई बोले ना कि खाके बताना कि टेस्ट कैसा है, तो सोच लेना पहले एक बार, कहीं आपसे कुछ और टेस्ट ना करवा रहा हो, तो टेस्ट करने के बाद आप उसका टेस्ट बता ना पाए। बेटा क्वांटिटी में बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता मैटर नहीं कर सकता, हमारी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहा इसलिए वो स्केयर है बेटा। पक्का क्या होती है स्केयरसिटी? वॉन्ट्स क्या बेटा, किससे ज्यादा है वॉन्ट्स? गुड, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा कंटिन्यू रहेगा कल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा, तो 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। बॉन्ड्स आर एंड रिसोर्सेज आर, वैसे क्वेश्चन देके आप लोगों को खुश कर देते हैं लोग। इन 3 में से एक भी कम कर दोगे ना तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। अगर बॉन्ड्स लिमिटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कोई इशू नहीं है, और ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो फिर चॉइस क्यों करनी पड़ेगी बेटा? ऑल ऑफ द अबव सभी इसके रीजन है और कल बढ़ेंगे इससे।